नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ स्वाति। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो आ रही है मिर्जापुर से। आज तक पिक्चर में देखने को मिल रहा था कि किस प्रकार से मिर्जापुर के कालिन भैया अपनी दबंगई के लिए प्रसिद्ध थे। उनके काले कारनामे पूरी पिक्चर में देखने को मिल रहे थे। लगता है मिर्जापुर की पिक्चर से प्रभावित होकर गाँव के दबंग प्रधान खुद को कालिन भैया समझने लगे हैं। पूरा मामला कबीर दास बिंद नाम के व्यक्ति का है, जिसका पूर्व में नाम आवास योजना की सूची के क्रमांक संख्या 8 पर अंकित था। आरोप है कि इसे प्रधान सेक्रेटरी व खंड विकास अधिकारी की मिली भगत से आवास सूची से बाहर कर दिया गया और उन्हें मृतक दिखाया गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि एक जीवित बुजुर्ग को कागजों में मृतक बता दिया गया ताकि वह आवास योजना के लाभ से वंचित हो जाए। पीड़ित बुजुर्ग को खुद को जीवित साबित करने के लिए अधिकारियों के दर पर फरियाद लगानी पड़ रही है। क्या मिर्जापुर एक वेब सीरीज से ज्यादा प्रभावित हो गई है? क्या यहाँ के लोगों के अंदर किसी प्रकार का प्रशासन का खौफ नहीं रहा? पीड़ित इतना परेशान है कि मृत्यु जन्म लिखने वाले यमराज की जगह ले ली है। उसी के गाँव के दबंग प्रधान ने पीड़ित की फाइल लाल फीता शाही के मकर जाल में उलझा रखी है। शासन प्रशासन की त्वरित न्याय व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने का काम कर रही है। यह मामला मिर्जापुर जिले के जिगना थाना क्षेत्र के विकास खंड 96 के तहत बौता गांव का है। 72 वर्षीय कबीर दास बिंद को ग्राम सभा में भ्रष्टाचार और ग्राम प्रधान के कार्य व संपत्तियों की जांच कराना महंगा पड़ गया। उन्हें कागजों में मृतक बता दिया गया। अब वह खुद को जीवित दिखाने के लिए गुहार लगाते फिर रहे हैं। कबीर दास बिंद का नाम पूर्व में आवास योजना की सूची के क्रमांक संख्या 8 पर अंकित था। आरोप है कि इसे प्रधान सेक्रेटरी व खंड विकास अधिकारी की मिली भगत से आवास सूची से बाहर कर दिया गया और उन्हें मृतक दिखाया गया। कबीर दास का आरोप है कि तत्कालीन सेक्रेटरी व प्रधान के द्वारा 30,000 लेकर अपात्र व धनी व्यक्तियों का आवास बनवाया गया। उनसे भी यही डिमांड की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह आवास से तो वंचित हुए ही, साथ ही उन्हें मृतक भी बता दिया गया। ग्राम सभा में 44 आवास बनवाए गए हैं। उनका आरोप है कि 44 आवास में से 35 आवास गलत तरीके से बनवाए गए, महज 9 आवास ही सही बनवाए गए हैं। प्रधान की कृपा किसी पर बूंद भर भी नहीं बरसी तो किसी पर भरपूर बरसी है। आलम यह है कि किसी के घर में 4 आवास, किसी के घर में 3 आवास तो किसी के घर में 2 आवास बनवाए गए हैं। यही नहीं, जिसका बेटा सेना में है, जिसके पास पक्का मकान, गाड़ी, मोटर, खेत खलियान, 2 चक्का और हार्डवेयर मशीन है, उन लोगों का आवास भी बनवाया गया। योगी जिन लोगों का नाम पिछले वर्ष भी आवास योजना की सूची में शामिल था, उनका दोबारा आवास बनवाया गया है। इसकी शिकायत करते हुए खंड विकास अधिकारी को 14 अगस्त 2019 व 14 सितंबर 2019 को प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, जिस पर ना तो जांच हुई और ना ही कोई कार्यवाही। कुछ एक परिवार को छोड़ दिया जाए तो यह गांव पूरी तरह से पिछड़ी जाति बाहुल्य गांव है, जहां प्रधान भी बिंद बिरादरी से चुना जाता है। मौजूदा प्रधान महिला कृष्णा देवी है, तो कहने मात्र को प्रधान है। यूं कहे कि वह केवल एक मुखौटा है। सारा ग्राम प्रधान का काम पीछे से प्रधान पति भीमराज बिंद मास्टर जी ही संभालते हैं, जबकि कृष्णा देवी घर में चूल्हा चौका तक ही सीमित हैं। हमने जब ग्राम सभा बौता विशेषर सिंह का दौरा कर प्रधान से मिलकर कबीर दास प्रकरण में उनका पक्ष जानना चाहा, तो बताया गया कि मास्टर साहब नहीं है। जब बताया गया कि हमें मास्टर साहब से नहीं प्रधान जी से मिलना है, तो फिर वही बात दोहराई गई कि मास्टर साहब से मिलिए। अब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव का विकास कैसे व किसके जरिए किया जाता होगा। पत्र में ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा कबीर दास को मृतक नहीं दिखाया गया है। उल्लेख करते हुए सर्वे के समय त्रुटिवश ऐसा होना बताते हुए उच्च अधिकारी को साफ तौर पर गुमराह किया गया है। मजे की बात तो ये है कि इस पत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी धीरेन्द्र गुप्ता को दोषी भी बताया गया है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जब धीरेन्द्र गुप्ता दोषी है तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों सुनिश्चित की नहीं गई? आखिरकार वह कैसे लंबे समय से वहां डटे हुए हैं? यदि वह सब कुछ सर्वे में त्रुटिवश हुआ है तो इस त्रुटि को सुधारा क्यों नहीं गया? ऐसे कई अनगिनत चुभते हुए सवाल जनमानस को कचोट रहे हैं, जिस पर ना तो आला अधिकारी ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही मातहत ब्लॉक अधिकारी और कर्मचारी इस मामले का निस्तारण करने में रुचि ले रहे हैं। पीड़ित ने इंडियन प्राइम न्यूज से आस लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हमारा नाम कबीर दास बिंद, पिता का नाम झूरू, ग्राम पहुंचा विशेषर सिंह,
छानवे ब्लॉक मिर्जापुर और यहाँ पर संसाई है, हम जिंदे हैं, हमको मुझसे दिखा दिया गया है 2028 नंबर पर हमारा वास था, वो वास होता सबको बन गया, हमको मुझसे दिखा दिए, हमारा वास नहीं मिला, जो हमारे पास इसके कुटिया के पास कुछ नहीं है, उसमें फिर भी विशेषर से कोल्हापुर बॉर्डर में चकबर मिली हुई है, उसकी बड़ी परेशानी है, उसको बनना चाहिए, बन गई अभी वहाँ पर, वो बन चुकी है, उस पर खंजा भी चुका है, अपना नहीं है, इसी का मसला हमको जिले हो चाहिए, और हमको बहुत परेशानी, हमको रहने का एकदम बिल्कुल से आदमी हमको जिंदा में मुझे रखा दिए हैं। तो उसकी शिकायत आप किए होंगे कई जगह? हाँ, शिकायत हम बहुत जगह कर चुके हैं, नाम नहीं कहाँ कहाँ किए हैं, समझा, इतना हमें नाम बहुत कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ था।